मॉर्निंग और हैप्पी सावत सबको। आज का मिशन कहानी या मिशन स्टोरी या मिशन रिपोर्ट आता है स्पेन से और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंग्लिश में बोलते हैं द बाइबल गाय और हिंदी में बोल सकते हैं बाइबल आदमी या बाइबल वाला आदमी, बाइबल वाला व्यक्ति। यह आता है स्पेन से, ये कहानी एक आदमी के बारे जिसका नाम रेमस है और इसे कहा जाता है द बाइबल गाय, आदमी वाला, मतलब बाइबल वाला आदमी। ये एक्चुअली नर्स है या बोल सकते हैं नर्स थे, क्योंकि प्रोफेशनली अभी वो नर्स वाला प्रोफेशन नहीं कर रहे हैं। तो वो नर्स थे और उसकी वाइफ आर्किटेक्ट थी और वो सब फ्रांस में रहते थे। उनके तीन बच्चे जो फ्रांस में रहते थे, उनका ज़िंदगी बहुत खुशी भरा था। लेकिन रेमसिस के दिमाग में एक बात आया, सब चीज़ अच्छा चल रहा था लेकिन उसके दिमाग में आया कि उसके मन में आया कि कुछ तो कमी है, कुछ कमी है हमारे मेरे ज़िंदगी में। फिर रेमसिस सोचने लगे, क्या वो प्रार्थना जो यीशु मसीह अपने पिता से किए थे, जो योहन्ना 17 उसका 4 में मिलता है, योहन्ना 17 उसका 4, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। ये जो बाइबल वर्स है उसके दिमाग में चलता आ रहा था रेमसिस की, और रेमसिस चाहते थे कि वह परमेश्वर के लिए कुछ ऐसा काम करे जैसा कि यीशु मसीह ने अपने पिता से कहा कि जो काम आपने मुझे पृथ्वी पर भेजा था जिसके लिए वह पूरा हुआ, तो मैं भी क्या कुछ ऐसा काम कर सकता हूँ। तो वो सोचने लगे क्या उसका इस धरती में पैदा होना या रहना, जैसा यीशु मसीह आकर के प्रचार किए, क्या मैं भी वैसा कर सकता हूँ, वो सोचने लगे। और फिर वो लूका 4 उसका 18 और 19 पढ़े कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। तो वो सोचने लगा कि क्या मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ, मैं तो नर्स हूँ प्रोफेशनली, लेकिन मैं परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता हूँ, जैसा परमेश्वर इस धरती में आए और सुसमाचार लोगों को बताए। फिर रेमसिस और एक बाइबल वर्स पढ़े, जब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जब यीशु मसीह स्वर्ग जा रहे थे उससे पहले, वो मिलता है मत्ती 28 उसका 19 और 20, जिसमें लिखा हुआ है इसलिए तुम जाकर सब जातियों, जैसे इंग्लिश में गो देयरफॉर, ये बहुत कॉमन बाइबल वर्स है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। तो ये चीज़ रेमसिस के दिमाग में चलता रहा और उसके बाद वह एक निर्णय लिया। फिर उसके बाद उन्होंने और एक मिसेस एलन जी वाइट का किताब पढ़ा जो है कॉलपोर्टर मिनिस्ट्री, तो इसमें पेज 6 में लिखा हुआ है कि प्रचार कार्य ठीक से किया गया उत्तम क्रम का मिशनरी कार्य है। तो अगर प्रचार कार्य अच्छी तरह से किया गया तो वह सबसे टॉप, सबसे फर्स्ट कैटेगरी में मिशन कार्य का। तो फिर वो डिसाइड किया कि मैं लिटरेचर इवेंजलिस्ट बनूंगा। और
मैं लोगों और वो सोचा कि मैं ऐसे लोगों को किताब बेचूंगा जो किताब खरीदना नहीं चाहते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंज वो अपने लिए लिया कि मैं ऐसे लोगों को किताब बेचूंगा लिटरेचर्स जो नहीं पढ़ना चाहते हैं, जो नहीं खरीदना चाहते हैं। और एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़बरदस्त इसे कहेंगे चैलेंज वो लिया, स्पेन में जो सबसे धर्मनिरपेक्ष जगह, वो डिसाइड किया कि मैं परिवार के साथ वहाँ जाऊँगा और किताब बेचूँगा। सेक्युलर प्लेस जहाँ पे धर्म को लेकर के लोग का अच्छा सोच नहीं है। तो वो चले गए, वो अपने परिवार को लेकर चले गए गलीसिया, जो स्पेन का सबसे ज़्यादा धर्म निरपेक्ष जगह है, जहाँ पे 3 मिलियन लोग हैं लेकिन सिर्फ 500 एडवेंटिस्ट हैं, और वो 500 एडवेंटिस्ट 5 चर्चेस हैं वहाँ पे। तो वो ये चैलेंज लिया कि मैं इस जगह में जाऊँगा और किताब बेचूँगा, बाइबल बेचूँगा और लिटरेचर बेचूँगा। तो रेमसुस ने स्टार्ट किया बाइबल बेचने, एक क्या बोलते हैं उसको, आउटडोर मार्केट, जो मार्केट लगते हैं बाहर में, दुकान नहीं है बाहर में, जैसे हमारे नक्सलवाड़ी में भी है आउटडोर मार्केट। तो वहाँ पे अपना स्टॉल लगाया और किताब बेचने लगा। इस मार्केट में एक्चुअली जो कृषि उपज, कपड़े, खिलौने, किताब और पुराने चीज़ों को लोग खरीदने के लिए यहाँ आते थे। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे और एक आदमी है जो किताब बेच रहा है, तो वो उसके पास गए और उससे बात करने चाहे, लेकिन वो आदमी उतना बात करने नहीं मांगा। लेकिन फिर भी रेमसुस बात किए उससे, और आखिरी में वो आदमी बोलता है कि आप असामान्य हैं, आप सब बाकी लोगों जैसे नहीं हैं, आप असामान्य हैं। और फिर उन्होंने बात करने लगा और फिर वो इसे नाम दिया द बाइबल गाय, क्योंकि वो वहाँ पे ऐसे जगह में जहाँ बाइबल तो क्या कोई रिलीजियस चीज़ पढ़ने या खरीदने ही नहीं मांगते थे, तो उससे ये नाम मिला बाइबल गाय। और फिर धन्यवाद के उपहार के रूप में रेमसुस ने उसे एक बाइबल भेंट की, और फिर वो घर जाकर के वो व्यक्ति बाइबल पढ़ा, और कुछ महीने के बाद वो रेमसुस के पास आते हैं और बोलते हैं कि मुझे और बाइबल स्टडी चाहिए ऐसा जगह में। और फिर रेमसुस ने उन्हें बाइबल स्टडी दिया और फिर वो बपतिस्मा भी लिए, और अभी वो चाहते हैं, वो आदमी चाहते हैं कि उसकी बेटी, उसकी बहन और उसकी माँ वो भी यीशु मसीह को ग्रहण करें। यहाँ जो मिशन कहानी है इसमें और एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग दिया गया है कि कभी कभी रेमसुस के किताब खुद को बेच लेते थे, मतलब रेमसुस को कुछ बोलना ही नहीं पड़ता था कि आइए बाइबल या रिलीजियस बुक मैं बेच रहा हूँ, कभी कभी ये किताब खुद को ही बेच लेते थे। जैसे कि एक बार कोई व्यक्ति रुका वहाँ पे एंड वो देख और वो देखा रेमसुस को कि ढेर सारा वो बाइबल स्ट्रीट वो गली में वो बेच रहा है, तो फिर रेमसुस ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो आदमी बोला क्या ये बाइबल है, और फिर वो बोला हाँ ये सारे बाइबल हैं, कितना दाम है फिर पूछा, फिर बोला 10 यूरो, लगभग $10 जैसा। और उसके बाद उस व्यक्ति ने उस किताब बाइबल को ख़रीदा। तो यहाँ पे रेमसुस कहते हैं कि कभी कभी किताब खुद को बेच लेते थे, यहाँ पे रेमसुस का काम नहीं होता था, लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा कुछ लोगों को वहाँ लेके आते थे जो बाइबल ख़रीदना चाहते थे। और दूसरी बार एक लेडी वो तुरंत वहाँ आ जाती है रेमसुस के पास, और फिर वो देखती कि रेमसुस यहाँ बाइबल बेच रहे हैं, और वो बोलती है कि मैं बहुत सालों से बाइबल के लिए प्रार्थना कर रही थी, और इतनी खुश हो गई वो वहाँ देखे कि कोई बाइबल बेच रहा है, और वो यही बोली कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी है। ये दूसरा घटना हुआ। और तीसरा घटना,
रामसूस लगभग 70 मील 120 किलोमीटर दूर गए ये लिटरेचर बेचने के लिए, और अच्छा खासा लिटरेचर और बाइबल बिका, लेकिन फिर भी जो पेट्रोल यूज़ हुआ था उसके गाड़ी में, वो सोचने लगा कि क्या एनफ है जो मेरा पेट्रोल भाड़ा के लिए। तो जब ये सोच रहा था तो और एक बुज़ुर्ग 90 साल का एक आदमी उसके पास आता है और फिर उसे पूछता है, क्या आपके पास बाइबल है? और फिर वो आदमी यीशु मसीह के प्यार के बारे और ज़्यादा जानने चाहता था। तो रामसूस और वो 90 साल का आदमी वो बात करने लगे, और दोनों बात करते हुए यीशु मसीह का प्रेम को ये समझकर उनकी आंखों में ऐसा आया कि उनकी आंखों में आंसू आ गया। और उसके बाद रामसूस उस एल्डरली आदमी 90 साल के आदमी से मिलकर सोचा कि ये ऐसा कभी भी नहीं है कि यीशु मसीह को जानना बहुत लेट हो गया है। जब ये 90 साल का आदमी यीशु मसीह के बारे और जानना चाहता है, तो रामसूस सोचा कि मेरा इतना दूर आना ज़रूर बहुत लाभदायक हुआ, क्योंकि आखिरी में 90 साल का आदमी यीशु मसीह के बारे, यीशु मसीह के प्यार के बारे और जानना चाहा। और वो बोलते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे स्पेन में और गारिसिया में जो यीशु मसीह के बारे और जानना चाहते हैं, और वो ये बात पे भी खुश है कि उन्हें लोग वहाँ पे द बाइबल गाय बोल करके पुकारते हैं, बाइबल वाला आदमी। और स्पेन में बहुत सारे ऐसे शहर हैं और गांव हैं जहाँ पे बिल्कुल एक भी सेवन डे एडवेंटिस्ट नहीं है। जैसा मैंने बताया कि 3 मिलियन लोग में सिर्फ 500 एडवेंटिस्ट हैं। तो ये धन्यवाद देते हैं जब तीन साल पहले जब 13th Sabbath ऑफरिंग कलेक्ट हुआ था वहाँ पे स्पेन्स सागुंटो एडवेंटिस्ट कॉलेज खोलने के लिए, जहाँ पे वहाँ के युवक पढ़ेंगे और परमेश्वर के बारे दूसरों को बताने के लिए तैयार होंगे। तो ये था आज का मिशन कहानी। हम लोग चलिए प्रार्थना में याद करें। ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत गट्स के साथ ये चैलेंज लेते हैं कि हम ऐसे जगह जाएंगे जहाँ पे लोग यीशु मसीह के बारे जानना ही नहीं चाहते हैं, और ऐसे लोगों को प्रचार करेंगे। और रामसूस धन्यवाद देते हैं कि सब स्कूल ऑफरिंग जो 3 साल पहले दिया गया था उसके लिए। और चलिए हम लोग भी इस क्वार्टर का 13th Sabbath ऑफरिंग दिल खोल कर दें, ताकि परमेश्वर का काम बहुतायत से दुनिया में आगे बढ़े। धन्यवाद।